श्री दधीची करण बलीसा लोग कहे दातार तने क्योंकि दान की चर्चा होती है, कर्ण बलि का नाम आता है, महर्षि दधीची जी का नाम आता है, शिवी का नाम आता है और आज के इस समय में ऐसा ही एक नाम आपके बीच में ये भी आता है शिवी दधीची करण बलीसा लोग कहे दातार तने जामिड़ कुल को उज्जवल कर दिया भाई मुकेश कुमार तने जामिड़ कुल को उज्जवल कर दिया भाई मुकेश कुमार तने आशीर्वाद दधी जी कर्ण बलीसा लोग कहे दातार तने जामिड़ कुल को उज्जवल कर दिया भाई मुकेश कुमार तने जामिड़ कुल को उज्जवल कर दिया भाई मुकेश कुमार तने मेरी लाइन जो मैंने आपके बीच में कही है लाइन तो आपकी है लेकिन अगर मैंने गाई है और अच्छी लगी तो एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से सम्मान हो जानी चाहिए और उनके जीवन का परिचय देते हुए क्योंकि आज अपनों में आए अपने घर परिवार में आए हैं और प्यार स्नेह यहाँ से इतना मिल रहा है तो खुशी के मारे खुशियों के वो आंसू उनकी आंखों में दिखाई दे रहे हैं जो अपने घर परिवार में आकर के उनको महसूस हो रहा है कैसे बना करते हैं मैं ऐसे सच्चे सबूत के बारे में कुछ लाइनें कह रहा हूं कैसे बोला श्री बाबूलाल पिताजी थारे कलावती मेहतारी श्री ब्रजपाल दादाजी के तुम पोते हो संस्कारी श्री ब्रजपाल दादाजी के तुम हाँ छोटा भाई परवीन आपकी करता ताबेदारी पतिवर्ता हाँ पतिवर्ता पत्नी मंजूर है सेवा में बलिहारी पतिवर्ता पत्नी मंजूर है सेवा में बलिहारी पंकज राहुल और पुत्री को अंकल राहुल और पुत्री को ठीक दिए संस्कार उज्जवल कर दिया भाई मुकेश कुमार तने जामिड़ कुल को उज्जवल कर दिया भाई मुकेश कुमार तने
है गार्ड चौक में बैठ गया नाम चौड़ा करने खातर गार्ड चौक में बैठ गया हाँ 15 लाख का चेक दिया बिठे 15 लाख का चेक दिया कोई छेती नहीं उधार बने जामिन कुल को उज्जवल कर दिया भाई मुकेश कुमार बने जामिन कुल को उज्जवल कर दिया भाई मुकेश कुमार के लिए देकर के वो सहयोग किया हालांकि इसमें क्योंकि ऐसी इच्छा नहीं रखते ऐसी सोच नहीं है उनकी वो चाहते भी नहीं कि उनके बारे में उनके दान के बारे में जिक्र किया जाए लेकिन गांव वालों का आदेश था कि भाई वो छोटे मोटे दानवीर नहीं वो इतने बड़े दानवीर हैं कि जिन्होंने बेंगलोर में भी अनेकों दान किए हैं कोटपूतली में भी दान किए हैं बोध बड़ावा में भी दान किया है नारनौल में भी दान किया और थाना फतेहपुरा में भी दान किया है तो ऐसे दानवीर के बारे में कोई बात छुपी नहीं रहनी चाहिए जोरदार तालियां आपकी तरफ से होनी चाहिए और मेरे दादा 100 रुपए मुझे भी सम्मान के रूप में देकर के गए उनके लिए बार बार धन्यवाद कैसे का दान कर राधा कृष्ण मंदिर बेंगलोर 51 लाख से दान करा राधा कृष्ण मंदिर बेंगलोर 51 लाख से दान करा श्री श्याम प्रभु मंदिर की खातर 30 लाख आवाहन करा 21 लाख विश्वकर्मा मंदिर को देके ने उत्थान करा 21 लाख विश्वकर्मा मंदिर को सबको शीश झुका करके चलने वाले हमारे परम आदरणीय मुकेश जागीर जी हर साल क्योंकि कहा करते हैं कि दान से ही धन की उत्पत्ति हुई है तो जितना भी खुल करके उन्होंने दान किया है उस परमात्मा ने 1000 गुना उनको और बढ़त दी है और हर साल भागवत श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण जी की वो भागवत कराते हैं कि जिससे उनको भी पुण्य मिलता है और उस भागवत में जो भी हजारों लाखों लोग शामिल होते हैं वो सभी उस पुण्य के हकदार हो जाते हैं तो ऐसे परोपकारी ऐसे दानवीर का सम्मान हमारे लिए ये तालियां तो बहुत छोटी बात है हम अपने शब्दों के माध्यम से भी कर रहे हैं वो भी हल्के हैं लेकिन उसका सम्मान परमात्मा से माँ दुर्गे से प्रार्थना करते हैं कि और भी 1000 गुना लाख गुना बढ़ा करके रखे कैसे बढ़ाओ लाख बताया 30 जोड़ों का साझा विवाह कोटपूतली में करवाया 30 जोड़ों का साझा विवाह
सरकारी एक कमरे का निर्माण करा के पुण्य कमाया भारी। एक कमरे का निर्माण करा के पुण्य कमाया भारी। हाँ बहुत बड़ा वा बना के कमरा कॉलेज की दशा सुधारी। 21,000 दिए फतेहपुरा में जो गौशाला से भारी। 21,000 दिए फतेहपुरा में जो गौशाला से भारी। हाँ कैलाश चंद ये जग में है तारी, क्योंकि जग जननी जगत जननी माँ दुर्गे को कहा गया है। और हमारे आदरणीय गुरुजी बहुत अच्छे कवि हैं, इस गांव का नाम उन्होंने भी रोशन किया है, उन्होंने इस रागनी को लिखा, इन शब्दों को प्रोया। मैं कैलाश जी का भी बार बार धन्यवाद करता हूँ। कैलाश चंद ये जग में है तारी, बुलवा में हर पार परे, जामे कुल को रोशन कर दिया भाई उमेश कुमार परे। जामे कुल को उज्जवल कर दिया भाई उमेश कुमार परे। हाँ सिविल अभिजीत करण बलि सा